हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सुबह सुबह छत पे आ गए हैं और आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो मैंने इन्होंने झंडा लगा दिया था छत पे और बहुत तेज किया धूप है। तो आज हम लोग भूनने जा रहे हैं गेहूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा है तो थोड़े गेहूँ भूले रखे हैं और अब भूनने भी हैं गेहूँ। तो देखिए इसमें भी घुन हो गया क्या? और फ्रेंड्स, गेहूं में घुन भी हो गए थे तो थोड़े ही गेहूँ धुलने थे। गेहूँ धुलने की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से गेहूँ धुलवाऊंगी। उसके बाद फिर आज बृहस्पति की कथा भी पढ़नी है, तो आज मैंने सोचा है कि इडली बनाऊंगी नाश्ते में। तो मैंने रवा भी पहले से ही भिगो के रख दिया है, कहीं पहले सब काम निपटा लूँ, ये सब जरूरी काम। और आज दुकान की बंदी है तो ये सब काम हो जाएंगे, वरना फिर ये अकेले का बस का नहीं है कि गेहूँ वगैरह निकाल के रखना और धुलना। तो ये होते हैं तो सब काम हो जाता है सही से। तो मैं जा रही हूँ गेहूँ धुलवा लेती हूँ फटाफट से पहले, उसके बाद मुझे जाके झाड़ू वगैरह करूँगी। झाड़ू थोड़ी मैंने लगा दी है, अभी सही से नहीं लग रही, पोछा वगैरह लगा के फिर नहा धो के इडली बनाऊंगी, तब मेरा दवा भी फूल जाएगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे मिलती हूँ आपसे। सही से लगा दो तो चींटियाँ जितनी हैं निकलेंगी तो मर जाएंगी। बस इसको अंदर ही रखवा दें, धूप में रख दें। चलो धूप में रखवा दें, उठाओ उधर से, तो वहाँ रख दे रहे हैं धूप में। गेहूँ भी धुल गए कहो फटाफट, धूप भी अच्छी निकली है। चलो पकड़ो, धूप में रख दे इसको, रख दो दीवार पर रख दो, इसको कौन खाएगा। अरे बारिश आएगी तो और चीजें भी तो हैं। अरे इसको रख देंगे, धूप में रख दो तो इतनी धूप लगेगी तो चींटियां भरेंगी तो साली। बस देखिए अब गेहूं भी धुल चुके हैं और नीचे की छत पे ही फैला दिए हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर बंदरों का भी डर है और पक्षी भी बहुत फैलाते हैं। और फ्रेंड, चींटियां भी बहुत हो गई थी तो हम लोगों ने उसमें चौक लगा के रख दी है। हम लोग जा रहे हैं नीचे, जाएंगे तो थोड़ी सी चाय बना के पहले पियेंगे, तो उसके बाद घर का काम उठाएंगे। देखिए सरसों की खली रखी हुई थी, वो धूप में रखने जा रहे हैं ये। और अब फ्रेंड्स, हम लोग नीचे आ गए थे ऊपर का काम निपटा के, और सबसे पहले मैंने दो प्याली चाय बनाई थी और हम लोगों ने गरम गरम चाय पी, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन काम भी बहुत हो जाता है तो चाय भी बहुत पी जाती है। और हम दोनों पति पत्नी मिलकर ऐसे ही पूरे जितना भी बड़ा और छोटा जो भी काम घर के होते हैं ऐसे ही अपने आप धीरे धीरे करके निपटा लेते हैं। और हमारे वहाँ कोई मेड नहीं है और हम लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं, और अच्छा भी लगता है अपने घर का अपने काम अपने हाथ करना, ज़्यादा सही रहता है। और देखिए नौडी बैठे हैं डिग्री के इंतज़ार में डिब्बे के पास, तो मैं इनसे पूछ रही थी, ये किचन में ऐसे ही बैठ जाते हैं आके जब इनको खाना होता है। और फ्रेंड्स जो है, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा तो पहले इडली चढ़ा दूँ पहले मैं, और देखिए मेरी इडली भी पक गई है और बहुत अच्छी सॉफ्ट इडली बनी थी। देखिए कांटा बिल्कुल भी जो है इसमें डिब्बे भी लग नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा फूली स्पंजी इडली बनी थी। वैसे तो हमारी मेरी इडली वैसे हमेशा ही अच्छी बनती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। और बहुत दिनों बाद मैंने इडली बनाई थी, क्योंकि कुछ पराठा सब्जी वगैरह खाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो रवा भी मैंने मंगा लिया था इनसे, पहले रवा था नहीं 2-4 दिनों से, तो मैं सोच रही थी मंगाने को, मैंने इनसे बोल दिया था तो कल ये रवा भी ले आए थे। तो देखिए मैंने इडली बना ली और बहुत ज़्यादा अच्छी इडली बनी है। अब इनको फ्राई कर दूँगी, और चटनी के लिए धनिया वगैरह थी नहीं, और वैसे भी ये इडली फ्राई करके ज़्यादा अच्छी लगती है चाय के साथ, तो मैंने सोचा आज यही नाश्ता बना लेती हूँ। और जितना बैटर बचा हुआ है तो मैं दोबारा से फिर चढ़ा दूँगी। और देखिए मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिन से इडली बनाई भी नहीं थी, और दही भी रखा हुआ था फ्रिज में खट्टा, क्योंकि सावन में कढ़ी वगैरह बनती नहीं है, वैसे तो मैं कढ़ी बना लेती थी, तो मैंने सोचा चलो रवा भी आ गया है तो आज मैं, छुट्टी का भी दिन है तो इतना से घर में भी हैं तो लेट भी हो जाएगा नाश्ता, तो कोई बात नहीं है। इसी चक्कर में मैंने आज इडली बनाई थी, और मेरी इडली भी
अच्छी भी बनी थी, और मैंने सोचा नहाऊंगी बाद में, पहले मैं ये सब तैयार कर देती हूँ, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा था और मैंने टमाटर के बीज नहीं डाले हैं इसमें, और इसी वजह से मैं लग ही रही। मैंने सोचा पहले यही सब काम निपटा लूँ, और झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। ऊपर से आने के बाद मैं झाड़ू पोछा करने लगी थी, और ये बेटा भी उठ गया था, तो दोनों हिसाब किताब देख रहे थे अपना कुछ। और देखिए मैंने इडली के चार चार पाँच छः छः पीस करके डाल दिए हैं, जिससे कि खाने में आराम रहेगी, आसानी होगी। और देखिए कितनी स्पंजी है इडली। कुछ इडली मैंने रोक ली थी क्योंकि ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो जो है वो कल को खा ली जाएंगी, उनको तो फ्रिज में रख दो, और दो एक दिन रखी रहती हैं तो ख़राब नहीं होती हैं, उनको फिर फ्राई कर लूँगी। और मैंने खाने भर की बना ली हैं तीन लोगों के हिसाब से, और बहुत अच्छी भी लगती हैं और पौष्टिक भी है। और देखिए मेरी इडली तैयार हो गई है, और मैंने इनका नाश्ता लगा दिया है, मेरी पूजा वगैरह हम लोगों की हो चुकी है। और उसके बाद बेटा घेवर खाने लगा था, क्योंकि घेवर रखा हुआ था तो मैंने निकाला था, तो उसने एक चम्मच खाया था। और फ्रेंड्स उसके बाद शाम के समय मेरी मम्मी आ गई थी, तो हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, और ये समोसे ले आए थे गरम गरम, हींग वाले समोसे यहाँ के बहुत फेमस हैं। और लेकिन बेटे के कुछ जुखाम हो रहा है इस समय, उसकी तबीयत ढीली है तो वो लेटा हुआ है। और देखिए आज ये भी घर में बैठे हैं, तो थोड़ा सा सुकून से हम लोग घर में बैठे हैं, वरना तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है बैठने उठने का, बात करने का। और देखिए हमारे वहाँ ये पांच समोसे लाए थे, तो वो किसी से नहीं खाए जा रहे, हम चार लोग हैं और वो एक समोसा खाने वाला कोई नहीं मिल रहा है जो समोसा खा ले। उसी के चक्कर में ये हम लोगों की बातचीत चल रही थी कि तू खा ले तू खा ले, और किसी ने नहीं खाने को कह रहा था कोई। और फ्रेंड छुट्टी के दिन हम लोगों के बहुत से काम निपट जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं तो ये सब काम करवा लेते हैं, और मेरे अकेले का बस का नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती अकेले कोई काम छेड़ूँ, बस खाली खाना झाड़ू पोछा बर्तन ही हो पाता है। और जब ये होते हैं जिस दिन छुट्टी पड़ जाती है, उस दिन बहुत काम हो जाता है, और धूप में गेहूं भी पड़े हुए हैं तो उनको भी चलाने जाना पड़ा दो चार बार, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं है। और जब मम्मी का मन उगता है तो मम्मी इधर ही आ जाती हैं, तो मेरा भी मन लग जाता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत कम लोग हैं और बेटी का भी बहुत कम आना जाना होता है। और देखिए हम सब लोग मम्मी बैठी बातें कर रही थी, मैं अपने कुछ काम में लगी थी, और इस समय मम्मी अपने दवाई के पर्चे निकाल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दवाइयाँ मंगाई थी तो वही पर्चे देख रही थी। अब मैं सीधे आपसे रात के समय मिल रही हूँ। मैंने रात में खाने में बनाया था परवल आलू की सब्ज़ी और करौंदे की सब्ज़ी, और मैंने हरी प्याज काट दी है, इसके साथ अच्छी लगती है नींबू डाल के। तो ये दोनों लोग खाना आज अंदर ही खाने बैठ गए, क्योंकि ये न्यूज़ सुन रहे थे, तो मैंने यहीं पर दे दिया था इन लोगों को। और फ्रेंड्स जो भी लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको मेरी वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ उसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।